हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। इस व्लॉग में आपका स्वागत है। इस व्लॉग में हम बताएंगे कैसे दांत उखाड़ने के बाद इसकी हालत खराब हो जाती है। तो अब आप जाइए और वो थोड़े क्लिप्स लेके आइए। डॉक्टर को इसने पूछा था एक्चुअली कि हम शूट कर सकते हैं क्या, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, इसलिए वो वाला पार्ट हम शूट नहीं कर सके जिसमें एक्चुअल प्रोसेस हुई है। बट कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फॉलो अप लेंगे और उसके बाद आपको उसका रीजन भी था, बिकॉज वो सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। अदरवाइज नहीं किया जाता, बट डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उनसे दर्द नहीं। तो कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फॉलो अप लेंगे, उसके बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या क्या परहेज करने हैं, कैसे कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं, क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं उसे। कुछ नहीं, सभी कंज्यूम कर सकते हैं, बस लिक्विड डाइट होना चाहिए। हाँ। कुछ नहीं बताने वाले हैं हम, सब आपको डॉक्टर ही बता देंगे अगर आप करने वाले हो तो। बस हाँ। इतना ही कि दर्द होता है स्टार्टिंग में, जो वो एनेस्थेशिया का इंजेक्शन लगाएंगे तब दर्द होगा, दांत निकालेंगे तब दर्द नहीं होगा, लेकिन जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट उतरना शुरू हो जाएगा फिर दर्द चालू होगा। एंड द डॉक्टर इज स्माइलिंग। हाँ, तो अभी day 3 है, तो ये अभी थोड़ा बहुत बात कर पा रही है, पहले 2 दिन मुंह पूरा बंद था और बात भी नहीं कर पा रही थी बिल्कुल। अभी भी 5 मिनट बात करने के बाद दर्द होता ही है। तो ठीक है, बाकी आपको कल बताएंगे, कल मिलते हैं। शर्मा बच्चा नहीं हो गई देरी, शर्मा जरा ऑडियंस हो गए तो बता, मैं चुप ही हूँ, कोई चुप नहीं है। देखो पागल जैसे हंस रही है, इसको स्ट्रेस लाफ्टर कहते हैं। और स्ट्रेस लाफ्टर क्यों है ये तो बता, क्योंकि मेरा विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन। हाँ, आज हम आए हैं यहाँ पे मैक्सिलो फेशियल सेंटर, जहाँ पर ये मैडम का विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट होने वाला है। ये यहाँ का रुकना, ये यहाँ का, इसलिए मैडम स्ट्रेस लाफ्टर में है। तो आपको थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस दिखाई जाएंगे, थोड़े थोड़े देखते हैं क्या क्या कैप्चर कर पाते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट। कैसे लग रहा है? तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि प्रोसेस को हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा और मैं सिर्फ यहाँ पर बैठ कर देखूँगा, बाकी डिटेल्स वो आपको बाद में बताएंगे। देख लो, देख लो, मिलते हैं खत्म होने के बाद। कैसा लग रहा है? प्रोसेस पूरी हो चुकी है और कुछ तकलीफ नहीं हुई, और ये रहा दांत जो निकाला। थोड़ी सी सूजन है। डॉक्टर ने ग्लव में बर्फ भर के दिया तो फट गया। हम आइसक्रीम लेने आए पाए थे पार्सल। हाय गाइस, तो इट्स day 6 ऑफ माय टूथ एक्सट्रैक्शन। आज काफी बेटर फील कर रही हूँ मैं, और दर्द भी नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं है, थोड़ी सी है बट अंदर है, वो इतनी नहीं है। और ये देखो काम चल रहा है इसका, जुम्बा करके बढ़िया सुबह सुबह। अभी पता नहीं कुछ कम करेगा ये, या फिर जुम्बा कर करके और खाएगा और मोटा होगा। तो ऐसी थी मेरी जर्नी। बाकी आप सब ने तो देख ही लिया होगा पहले के तीन चार दिन की वीडियोस कंबाइन करके बनाए हैं। आज काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, तो इसलिए सोचा कि आज मैं ही बनाती हूँ। और गर्मी, ओ माय गॉड, बहुत गर्मी है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।